अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है। क्या वाकई में ओशो आश्रम में सजती है सेक्स की मंडी? ओशो का हर सन्यासी शिष्य महीने भर में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। सदी के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु क्या ड्रग्स और सेक्स के लती थे? दुनिया भर की सरकारों को हिला देने वाला शख्स केवल सेक्स के बूते ही करोड़ों दिलों पर राज करता था। ये कुछ सवाल है जिन्होंने तब जोर पकड़ा जब ओशो की सबसे करीबी शिष्या रही माँ आनंदा शिला ने अपनी किताब डोंट किल हिम अ मेंबर वाई माँ आनंद के जरिए ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए। हाल ही में एक्टर विनोद खन्ना की मौत के बाद संभोग से समाधि तक जैसी महान पुस्तक लिखने वाले ओशो पर एक बार फिर इस तरह की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। विनोद खन्ना बॉलीवुड के सुपरस्टार होने के बावजूद 80 के दशक में सब कुछ छोड़कर ओशो रजनीश के शिष्य बन गए थे और 5 साल बाद सामान्य जीवन में लौटे भी। इस तरह के कई उदाहरण हैं जिनके कारण ओशो विवादों में रहे। से 1985 तक ओशो की सेक्रेटरी रही आनंद शिला ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो के आश्रम में आध्यात्म के नाम पर ढोंग होता था और आश्रम में सेक्स की मंडी सस्ती थी। शिला ने 1972 में 20 साल की उम्र में ओशो के आश्रम में प्रवेश किया था। वो लिखती है कि आश्रम के शिविरों में अधिकांश समय चर्चा का विषय भी सेक्स ही होता है। चर्चा में भगवान ओशो अपने भक्तों को बताते थे कि सेक्स की इच्छा को दबाना कई कष्टों का कारण है, इसलिए सेक्स की इच्छा को नहीं दबाना चाहिए। ओशो सेक्स को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने के लिए कहते थे। अपने भगवान के उपदेशों को मानकर शिष्य बिना किसी शर्म और नैतिक दबाव के आश्रम में सेक्स करते थे। ओशो का हर शिष्य सन्यासी एक महीने में करीब 90 लोगों के साथ सेक्स करता था। किताब के अनुसार ओशो का बिजनेस करने का फंडा भी अनोखा था। बनाए गए सिस्टम से आश्रम के हर हिस्से से आमदनी होती थी। प्रवचन सुनने के लिए आश्रम प्रवेश शुल्क भी लगाता था और भी कई व्यवस्थाओं पर महंगा निर्धारित शुल्क तय था। हर दिन आश्रम में नई तरीकों से दान दिया जाता था। भगवान रजनीश से सन्यासी इतने प्रभावित थे कि वे अपनी परवाह किए बिना आश्रम के कार्यों को करते थे। आश्रम के चारों तरफ गंदगी का माहौल था। बावजूद इसके भगवान लगातार अपने भक्तों को सेक्स की इच्छा दबाने के विरुद्ध उपदेश देते थे। शिला ने खुलासा किया कि पूरे समय काम करने के बावजूद सन्यासी सेक्स के लिए उत्तेजित रहते थे। एक दिन मैंने एक सन्यासी से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो हर दिन 3 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करता है। शिला ने अपनी किताब में लिखा है कि ओशो एक अद्भुत बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने प्रोडक्ट, उसकी कीमत और मार्केट की जानकारी अच्छी थी। वे आश्रम को इस तरह चलाना चाहते थे जिससे तमाम खर्च रिकवर हो जाए। इसी के चलते आश्रम में प्रवेश के लिए फीस भी वसूली जाती थी। उनके थेरेपिस्ट ग्रुप भी आश्रम में थेरेपी के लिए पैसे लिया करता था। आश्रम में जाने वाले लोगों को उनका मनपसंद भोजन मुहैया कराया जाता था और इसके लिए भरपूर पैसा वसूला जाता था। आश्रम में जाने वाले लोगों से एंट्री फीस, ग्रुप एंट्री फी सहित पैसे कमाने के कई विकल्प मौजूद थे, जिससे कुछ ही समय में पानी की तरह पैसा आने लगा। उनके आश्रम में थेरेपी का एक प्रमुख भाग सेक्स था। यहाँ कामुकता किसी भी निर्णय के बगैर स्वीकार्य थी। सेक्स के संबंध में माना जाता है कि इसका नैतिकता से संबंध नहीं। ओशो चाहते थे कि युगल किसी भी चिंता के बगैर संभोग करें। धीरे धीरे आश्रम में सेक्स चरम पर पहुंच गया। कई बार तो अति उत्साह और बौद्धिकता की सीढ़ी जल्दी चढ़ने के चक्कर में कई ग्रुपों के बीच हिंसा हो जाया करती थी। अगर आप सच में पाना चाहते हैं तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको रोकने में समर्थ नहीं है, और अगर आप नहीं पाना चाहते तो इस जमीन पर कोई ताकत आपको देने में भी समर्थ नहीं है। यहाँ ये बता दें कि आनंद ओशो के आश्रम में $55 मिलियन का घपला करने के आरोप में शीला 39 महीनों तक जेल में रही हैं। उनका असली नाम शीला अम्बालाल पटेल है। जेल से बाहर आने के बाद लगभग 20 साल बाद माँ आनंद शीला ने ये किताब लिखी थी। इस किताब के जरिए शीला ने ओशो रजनीश को एक सामान्य और सेक्स की लती ढोंगी बाबा साबित करने की कोशिश की है, लेकिन शायद वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकी। यही कारण है कि लगातार ओशो आश्रम में भगवान रजनीश के शिष्यों की संख्या में आज भी लगातार इजाफा हो रहा है। ओशो के भक्त कहते हैं कि शीला द्वारा ओशो पर लगाए गए आरोप सरासर झूठ हैं और इतने साल बाद इस तरह की बात उठाने के पीछे शीला का मकसद अपनी किताब को बिकवाना है। वैसे भी जो आरोप वो लगा रही हैं उसी तरह के विचार ओशो अपनी पुस्तक में कह रहे हैं, लेकिन शीला के आरोप भद्दे तरीके से लगाए गए हैं, इसलिए उनका विरोध जरूरी है। वैसे सच जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि ओशो रजनीश एक विलक्षण तर्कशास्त्री रहे और पूरी दुनिया उनके ज्ञान का डंका मानती है।
DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। तो दोस्तों, हिमालय न्यूज की खबरों को लेकर अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल हिमालय न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है, जो हमें झूठ को बेनकाब करने का हौसला देता है। तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़.com।